दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में यात्रा करने के दौरान जो अनुभव हुआ उसे आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यह वाराणसी कैंट से गोरखपुर जाने वाली रोडवेज की बस है। आप इधर लोकेशन हम दिखाते हैं आपको। यह है कैथी, कैथी यानी वाराणसी की अंतिम सीमा। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अभी वसूली शुरू नहीं हुई है, लेकिन थोड़े समय में ही शुरू हो जाएगी। और इस बस के यात्रियों को आप देख रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यह बताने का था कि कोरोना से तो भगवान बचाएंगे, अब किसी के बस की बात नहीं है। और कोरोना क्या है समझ में नहीं आता। अधिकांश यात्रियों ने कहा कि सर्दी जुकाम जैसा है और हम लोगों ने इसकी औकात को जान लिया है। एक बार इसे आप देखिए और यातायात देखिए। इधर जहां हम हैं यह मार्कंडेय महादेव धाम है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तरीय पीठ है, यानी यहां गोमती और गंगा का संगम है। मैं इस स्थान को भी दिखा देता हूं, आप देखें। यह है गोमती नदी, अभी आप इसका अवलोकन करेंगे। और इस तरफ जहां हम दिखा रहे हैं आगे 3 किलोमीटर पर मार्कंडेय महादेव का धाम है। यहां देश विदेश से लोग आते हैं। यह स्थान कैथी गांव में पड़ता है और वाराणसी जिले का अंतिम गांव है। अब हम गाजीपुर में प्रवेश करेंगे जो हमारा गृह जनपद है। आप एक बार गोमती का अवलोकन कर लें। लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करके यह पीलीभीत से आती हैं और यहीं कैथी के पास गंगा में मिल जाती हैं, जहां गंगा के उस पार चंदौली जिला है और इस पार गाजीपुर है। अब हम वाराणसी से गाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी यह नदी सीमांकन करती है। यह देश की पवित्र नदियों में से एक है। लखनऊ में भी है यह और जौनपुर में भी है। अब बात हो रही है कि ऐसे में संक्रमण से आदमी बचेगा कैसे। हमारे वीडियो के बाद कुछ लोगों ने मास्क लगा लिया और कुछ लोगों ने मान लिया है कि भैया जो होगा देखा जाएगा। यह यात्रा लगभग 30 किलोमीटर से अधिक खड़े खड़े की जा चुकी है। आगे की यात्रा भी खड़ा खड़ा ही करना है, क्योंकि बस में कोई जगह नहीं है। कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं और इस सीट पर देखिए 5 लोग हैं। इन लोगों ने समझौता कर लिया है कि चलिए बारी बारी बैठ करके काम। कहाँ जाना है बाबू आपको? गोरखपुर। वाह, देखिए है, यानी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से होकर के मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर तक जाती है। चूँकि कल प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं, इसलिए वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। कल के दिन यातायात पूरी तौर पर बंद हो जाएंगे और वही होगा कि इनके लिए तो कोरोना होगा नहीं और आम लोगों के लिए कोरोना होगा। पीट पीट करके कान पकड़वाओ, उठाओ बैठाओ और उन्हें उनसे पैसे वसूलो। पैसे वसूलने से भी प्राय कोविड टैक्स काटो। यह राष्ट्रीय महामारी अधिनियम 1897 के तहत कोविड टैक्स वसूला गया है। कुछ बच्चे परीक्षा दे करके भी आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी परीक्षा थी। कौन सी परीक्षा थी भैया? एनसीएल की। ये क्या होता है? हिंदी बताइए। कोल माइंड का सर। अच्छा, कोल माइंड का। एनसीएल नेशनल नॉर्दर्न कोल्ड। अच्छा, नॉर्दर्न कोल्ड लिमिटेड। अच्छा, कोल्ड फील्ड लिमिटेड। इसलिए भी भीड़ बढ़ी है कुछ और ये लोग भी दूर जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे भैया? मऊ। अच्छा, मऊ, गोरखपुर मऊ। तो अगर ट्रेन चलती तो यह इतनी भीड़ नहीं होती। ट्रेन बंद इसलिए कर दी गई कि संक्रमण होगा। अब ट्रेन में भी तो ऐसे ही आरक्षण होता है, सामान्य सीटों का भी आरक्षण। एक सर जी आ रहे हैं इलाहाबाद से। सर, इलाहाबाद से वाराणसी तक तो आपको जगह मिल गई थी। जी हाँ। इसके बाद आप खड़ा खड़ा जा रहे हैं। सर अध्यापनरत रहे राजकीय सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर से। आप 2005 में सेवानिवृत्त हुए। अभी हमारा परिचय हुआ है बस में ही चलते चलते, तो देखिए ब्रेक लगते ही अब किसी तरह से इसी में गिर भी जाते हैं लोग। तो दोस्तों, यह रहा मेरा सुनिश्चित मत है। तमाम लोग अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे। लोग कहेंगे कि आप ऐसे ही दिखाते हैं। चलिए, और कोई शौक तो है नहीं कि आदमी
ऐसे खड़े खड़े होकर के जाएगा। देखिए यह मैंने पकड़ रखा है इसे, देखिए, और कभी इसको पकड़ रहा हूँ, कभी सीट के पास पकड़ता हूँ कभी, और फिर इसे देखिए यह हाथ भी लाल हो गया है। तो दोस्तों अब तो भगवान ही बचाएंगे, ऊपर वाला ही बचाएगा। आप देख सकते हैं आगे से लेके पीछे तक यह स्थान आ गया है सिधौना। सिधौना यानी कैथी वाराणसी का परिक्षेत्र था और सिधौना गाजीपुर का है। तो सिधौना से हम पहुंचेंगे ओडिहार, ओडिहार से सैदपुर, सैदपुर के बाद कुछ छोटे छोटे स्थानों से होते हुए जैसे पहाड़पुर है, देवकली है, फिर हम पहुंचेंगे नंदगंज। नंदगंज के उपरांत हम पहुंच जाएंगे महाराजगंज होते हुए फतुल्लापुर, महाराजगंज होते हुए गाजीपुर। तो यह रहा दोस्तों, हम अनुरोध करना चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि ऐसे तो कोरोना से आप बचाने से रहे, या तो आप इतनी बसें चलवाइए जिससे कि सीट बराबर लोग जाए, और वो आप चलवा नहीं पाएंगे। ट्रेनों को आपने बंद कर दिया, ट्रेन तो अब जो जनरल बोगी है उसमें भी आरक्षण होता है सर, तो अपने अपने बोगी में जाएंगे। जो ट्रेनें चल रही थी उसको आप चलवा दीजिए, और यह कहिए कि जनरल का टिकट लेकर के लोग यात्रा नहीं करेंगे, जनरल पर भी आरक्षण करा करके लोग यात्रा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह देखिए एक पुलिस चौकी है, इसकी भी लड़ाई लड़ी गई है, यह अभी सरकारी ज़मीन में नहीं है, पहले शौचालय वगैरह नहीं था, अब शौचालय बन गया है। यह रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है और सिधौना की रिपोर्टिंग खानपुर थाना क्षेत्र की है। तो देखिए हम लोग कहाँ कहाँ बचेंगे, अब इधर हाथ रखा, अब इसमें इसको सैनिटाइज करिए, फिर इस हाथ को पकड़ेंगे उसको करिए, और फिर तब तक फ़ोन आ गया मोबाइल से, तो मोबाइल को उठाइए, फ़ोन रिसीव करिए, मोबाइल संक्रमित हुआ, जहाँ जहाँ हाथ रखे वहाँ संक्रमित हुआ, यहाँ जहाँ जहाँ देखिए अभी यह है, हम एक हाथ से आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो जहाँ जहाँ है बैग रखने की भी जगह नहीं है, तो आप यह देख सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इनको समझाएगा कौन, इनका मुख्य सचिव जो CM कहेंगे वही मुख्य सचिव मानेगा, जो PM कहेंगे उन्हीं की बात लोग मानेंगे। PM साहब आएंगे 8 बजे और कहेंगे बहनों भाइयों आज ही रात 12 बजे से, अब जो कह देंगे कैबिनेट की सलाह मानेंगे नहीं, कौन कहेगा कि हमारी भी सलाह लीजिए, बिना सलाह के आप नहीं कर सकते ऐसा, यह संविधान में वर्णित है। लेकिन भैया समझाएगा कौन, और जबरा मारे रोए न दे। एक हमारे यहाँ के कवि जी थे सर, आप उनको सुने होंगे, वह कहते थे जबरा मारे रोए न दे, जबरा से अभिप्राय जबरा माने बाहुबली बलवान और शक्तिपुंज, गुंडा तो हम नहीं कह सकते हाँ, लेकिन जबरा मारे रोए न दे, मतलब जबरा माने जबरदस्ती जो करता हो, जबरा मारे रोए न दे, हमरे घर के लेवे तलाशी, हमरे घर के लेवे तलाशी, आपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। तो भैया चलिए, हम तो अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, और एक बस की हालत यह नहीं है, बहुत से यात्री ऐसे हैं जो एक बस छोड़ दिए दूसरे बस के इंतजार में, दूसरी भी भर गई है, इस गेट से आना पड़ा है कुछ कुछ के। अच्छा देखिए ये बता रहे हैं कि इस गेट से आए हो, इस गेट से आया, उससे तो आए नहीं है, कितने लोग आधे लोग। अरे हाँ चलिए चलिए, ऊपर वाले की मर्जी है कि आप लोग सही सलामत, और जब मोदी गाड़ी नहीं चलवा रहा अब क्या करेगा। अच्छा कोई मरेगा नहीं ना, खाएगा फिर कहाँ से खाएगा, जब ना मरेगा। ये भीड़ नहीं दिख रहा है, ये आवाज नहीं दिख रहा है, नहीं मालूम है गाड़ी चलवाने के लिए। तो अब देखिए ऐसे ही यात्रा कटेगी, इधर प्याज जा रही है, प्याज और लहसुन, इधर लगन का भी मौसम है, सारे जो निमंत्रण उधर थे जिन लोगों ने शादी तय किया था, तो भैया आप धूमधाम से करना है, कोरोना में शादी करेगा कौन, तो लोगों ने टाल दिया। तो अब इधर सारी लगन एक ही साथ आ गई, तो हमारे घर भी शादी है भैया, हम तो पालन करना चाहेंगे, अब कितना हो पाता है और कितनी रक्षा होगी मुझे नहीं पता। तो दस बीस लोगों में करिए ना, क्या जरूरत है भीड़ करने की, अरे बिना कमाएगा तभी न करेगा। सही बात, इनकी बात में बड़ा दम है। अरे मोदी जी कल रैली करने जा रहे हैं, कई करोड़ का वारा होगा दोस्तों। तीन तीन सेनाएं वाराणसी में डट गई हैं 3 दिन पहले से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना,
और हुजूर आएंगे दिया जलाएंगे, लेकिन हुजूर को क्या पता कि कितने घर के दीपक बुझे हुए हैं। हुजूर को जमीनी एहसास नहीं है, वाराणसी की गंगा भी वैसे ही है, और अगर वाराणसी कैंट से चले जाइए लंका तक तो सड़कें भी वैसे ही हैं, धूल दूसरी सड़कों से होते हुए आप जाएंगे। लोग कहते हैं अच्छा दिखाते क्यों नहीं, बताओ भैया अच्छा हम दिखाएंगे, कुछ अच्छा दिखे तब तो दिखाएंगे। देखिए सब धूल दूसरित, यही पोल्यूशन है, चारों तरफ धूल का गुब्बार है। नियमतः एनजीटी का एनजीटी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि धूल नहीं उड़ना चाहिए, धूल से आपके आपका फेफड़ा संक्रमित होगा, लेकिन भैया कहेंगे तो जाएंगे कहाँ, जबरा मारे रोए न दे। सर आपको तो अब दर्द हो रहा होगा पैर में, ठीक है, और वरिष्ठ नागरिक की सीट कोई है नहीं? नहीं नहीं, हम भी कुछ दिन में वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो अब सर को कहीं रिक्वेस्ट करके हम बैठवाएंगे, देखता हूँ, लेकिन सर सर लेकिन आप एकदम जिंदा दिल इंसान हैं और 100 साल जिएंगे आप। अभी सर से हमारी बात हो रही थी कि जो जो साथ के थे अधिकांश लोग चले गए, और हमारे पिताजी भी ऐसे ही बताते हैं कि हमारे साथ जो भी अध्यापक थे अब तो सब चले गए, तो उनका हौसला बढ़ाते रहता हूँ। दोस्तों आज के दिन इतना ही, न कहीं बस में सैनिटाइजर है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम है, लेकिन सब राम भरोसे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है आत्मनिर्भरता, तो भैया लटकला तो गैला बेटा, अपनी जान अपने बचाना है। धन्यवाद दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज 29 नवंबर को इस समय मैं पहुंच गया हूं और बिहार से आगे सैदपुर की तरफ, मतलब वाराणसी से वीडियो शुरू किया था, और धीरे धीरे यह धूल गुब्बार को झेलते हुए और इधर आपसे बात करते हुए अब मैं आ गया हूँ लगभग सैदपुर औड़िहार आ गया हूँ। तो धन्यवाद, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।